Hello students, good morning to all of you. Today's my topic is Good Manners, Lesson 15 from EVS. Students, आप सभी को पता है Lesson 14 हम पहले read कर चुके हैं, वो था हमारा Safety Rules. Safety Rules में हमने पढ़ा था students कि कौन कौन से हमें Safety Rules अपनाने चाहिए ताकि हमारा accident से बचाव हो सके, दुर्घटनाओं से सामना ना हो सके. हमें घर पे कौन से सेफ्टी रूल अपनाने चाहिए, स्कूल में कौन से सेफ्टी रूल अपनाने चाहिए, बस स्टैंड पे कौन कौन से होते हैं सेफ्टी रूल्स ताकि हम दुर्घटना हमें चोट ना लगे. तो ये चीजें हमने लेसन 14 में रीड की थी. आज हमारा लेसन 15 है गुड मैनर्स, यानी अच्छे मैनर्स. नाउ वी रीड द फर्स्ट लाइन. वी लर्न गुड मैनर्स एट होम एंड एट स्कूल. हम अच्छे गुड मैनर्स जो होते हैं तो वो कहाँ पे सीखते हैं? घर पे सीखते हैं और अपने स्कूल में सीखते हैं. अ वेल मैनर्ड चाइल्ड इज ऑलवेज एडमायर्ड एंड लव्ड बाय एवरीवन. अच्छे मैनर्स वाले बच्चे से हर कोई एडमायर होता है, हर कोई उसे सीख लेता है और उससे हर कोई प्यार करता है. गुड मैनर्स मेक आवर लाइफ प्लीजेंट. अच्छे मैनर हमारी लाइफ को प्लीजेंट बना देते हैं, यानी खुशनुमा बना देते हैं. नंबर फर्स्ट पॉइंट, एट होम. अब हमें अपने घर पे कौन कौन से गुड मैनर्स होते हैं जो हमें घर पे अपनाने चाहिए. वी शुड गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली. हमें बेड में बिस्तर पर सोने के लिए जल्दी जाना चाहिए और सुबह जल्दी ही उठना चाहिए. स्टूडेंट्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम रात को देर तक फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं. हमें जल्दी ही सोने के लिए, यानी रात को 10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए, 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए. सेकंड पॉइंट, वी मस्ट डू रेगुलर एक्सरसाइज. हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक्सरसाइज से हमारी बॉडी फिट और हेल्दी बनती है, रोगों से यानी जो बीमारियां होती है उनसे हमारा बचाव होता रहता है, तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्विस ए डे. हमें एक दिन में दो बार ब्रश करनी चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. सुबह सुबह और शाम के टाइम हमें दिन में टू टाइम ब्रश करनी चाहिए. वी मस्ट बाथ एवरी डे. हमें हर रोज स्नान करना चाहिए या नहाना चाहिए. नहाने से हमारी बॉडी पे जो जर्म्स होते हैं वो सारे वॉश हो जाते हैं, इसलिए हमें हर रोज स्नान करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी क्लीन बनी रहे. वी शुड वियर क्लीन क्लोथिस. हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. ये सारे स्टूडेंट्स हमारे घर के लिए गुड मैनर्स थे. कौन कौन से थे एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे. वी शुड गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली. हमें बिस्तर पर सोने के लिए जल्दी जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए. वी मस्ट डू रेगुलर एक्सरसाइज. हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्विस ए डे. हमें अपने दांतों पे ब्रश दिन में दो बार करनी चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. एक बार सुबह के समय और एक बार रात के समय. वी मस्ट बाथ एवरी डे. हमें हर रोज स्नान करना चाहिए. वी शुड वियर क्लीन क्लोथिस. हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. इसमें स्टूडेंट्स हमारा एक थर्ड पॉइंट आया था, दिन में हमें दो बार ब्रश करनी चाहिए. हम दांतों पे ब्रश क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब हम जैसे हम कोई कुछ भी खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो उससे हमारे दांतों में जर्म्स लग जाते हैं. सो ब्रश करने से वो सारे जर्म्स हट जाते हैं और हमारे टीथ जो कैविटीज होती है, जैसे ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से लगती है, टॉफीज खाने की वजह से लगती है, ये सारे जंक फूड में आते हैं स्टूडेंट्स. ये हमें नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये हमारे दांतों को भी खराब करते हैं, हमारे पेट को भी, हमारी तबीयत को खराब कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एट स्कूल. स्कूल में कौन कौन से गुड मैनर्स होते हैं जो हमें अपनाने चाहिए? वी मस्ट रीच स्कूल एट ऑन टाइम. हमें हमेशा स्कूल में टाइम पर पहुंचना चाहिए. वी मस्ट नॉट मेक नॉइस इन द क्लासरूम. हमें कभी भी क्लासरूम में शोर शराबा नहीं करना चाहिए. We must throw waste in the dustbin. हमें हमेशा जो क्लास का डस्ट है, जैसे हम पेंसिल शार्प करते हैं या कुछ भी है, तो हमें पेपर
वैसे तो फाड़ने नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर फट जाता है तो उसको हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए, क्लास में क्लासरूम में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इससे क्लासरूम गंदी होती है। वी मस्ट कीप आवर क्लासरूम क्लीन, हमें हमेशा अपने क्लासरूम को साफ साफ सुथरा रखना चाहिए। वी मस्ट स्टैंड अप व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, जब हमारे टीचर क्लासरूम में पढ़ाने के लिए एंटर होते हैं आते हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाना चाहिए। ये स्टूडेंट्स हमारे लिए एट स्कूल के गुड मैनर्स थे, कौन कौन से एक बार दोबारा रिवाइज करो। वी मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम, हमें हमेशा टाइम पर स्कूल जाना चाहिए। वी मस्ट नॉट मेक नॉइस इन द क्लासरूम, हमें कभी भी क्लासरूम में कक्षा में शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। वी मस्ट थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, हमें हमेशा क्लास का जो कूड़ा करकट है वो हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर क्लासरूम क्लीन, हमें हमेशा अपनी क्लासरूम को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी मस्ट स्टैंड अप व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, हमें खड़ा हो जाना चाहिए जब टीचर क्लास में एंटर होते हैं, क्लास में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द रोड, रोड पर कौन कौन से गुड मैनर्स होते हैं। नेवर थ्रो एनीथिंग ऑन द रोड, हमें कुछ भी कभी भी रोड पर फेंकना नहीं चाहिए। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू व्हेन यू आर वेटिंग फॉर द बस, हमें हमेशा बस स्टैंड पर पंक्ति में ही खड़ा होना चाहिए या क्यू में ही खड़े रहें जब आप बस की वेट कर रहे हो, जब तक बस नहीं आ जाती। नेवर स्पिट ऑन द रोड, हमें कभी भी रोड पर थूकना नहीं चाहिए। डोंट पुश अदर्स, एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोड पर एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे तो किसी को चोट भी लग सकती है। ऑन द रोड दोबारा देखो, नेवर थ्रो एनीथिंग ऑन द रोड, हमें कभी भी चाहे हम कुछ भी खाएं, जैसे चिप्स वगैरह खा लेते हैं बच्चे तो फ्रूट्स खाते हैं, तो जैसे ये थ्रो कर रहा है बनाना का छिलका जो होता है उसको थ्रो कर रहा है, ऐसे हमें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, हमें हमेशा डस्ट को डस्टबिन में ही डालना चाहिए। ऑलवेज स्टैंड इन ए क्यू, हमें हमेशा क्यू में ही खड़ा रहना चाहिए, लाइन पंक्ति में ही खड़ा रहना चाहिए। व्हेन यू आर वेटिंग द बस, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक हमें हमेशा क्यू में खड़े रह के उसका वेट करना चाहिए। उससे पहले हमने सेफ्टी रूल्स में पढ़ा था कि कभी भी चलती हुई बस में भाग कर ना ही चलती हुई बस से ना ही उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें चोट लग सकती है, और ना ही चलती हुई बस में से अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को बाहर निकालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर स्पिट ऑन द रोड, हमें कभी भी रोड पर थूकना नहीं चाहिए। डोंट पुश अदर, एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राइट स्पीकिंग टू अदर्स, अब हमें एक दूसरे से कैसे बातें करनी चाहिए। वी मस्ट स्पीक पोलाइटली विद एवरीवन, हमें हमेशा एक दूसरे के साथ पोलाइटली यानी बिल्कुल नम्रता से व्यवहार करना चाहिए, नम्रता से एक दूसरे के साथ बोलना चाहिए। वी मस्ट पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स से, जब कोई दूसरा हमें कोई बात कह रहा होता है, कुछ भी बता रहा है वो हमें, तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वी मस्ट से प्लीज व्हेन वी आस्क फॉर समवन फॉर समथिंग, जब भी हमें किसी से कुछ कहना होता है तो हमें हमेशा प्लीज का यूज करना चाहिए। वी मस्ट से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग फॉर समवन, जब हमने किसी से कोई चीज ले ली है हमने उसको वापस करना है तो हमें हमेशा उसका थैंक यू करना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। वी मस्ट से सॉरी व्हेन वी आर रॉन्ग, जब हमसे कोई गलती हो जाती है या कोई भी बैड लैंग्वेज बोली जाती है तो हमें सॉरी बोलना चाहिए उसको कि कृपया हमें माफ कर दीजिए। राइट स्पीकिंग टू अदर्स, एक बार दोबारा देखो इसको। वी मस्ट स्पीक पोलाइटली विद एवरीवन, हमें हमेशा दूसरों के साथ नम्रता से बात करनी चाहिए। वी मस्ट पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स से, जब कोई हमसे बात कर रहा हो तो हमें उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, न कि इधर उधर देखना या कुछ भी करना, हम अपने खेल में लगे रहना, कोई दूसरा हमसे बात कर रहा है और हम अपने खेल में लगे हुए हैं तो ये सारे बैड मैनर्स होते हैं। वी मस्ट से प्लीज
When we ask someone for something, जब हमें किसी से कुछ लेना होता है, जैसे किसी को पेंसिल, आज आप पेंसिल घर पे छोड़ के आ गए हो, आपने अपने फ्रेंड से पेंसिल लेनी है, तो उससे आप प्लीज कह के लें. नेक्स्ट पॉइंट, वी मस्ट से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग फॉर समवन. जब आप उसको अपनी चीज रिटर्न करते हो, आपका होमवर्क हो चुका है पेंसिल से, तो आपको अपनी उनकी पेंसिल वापस करनी है, तो आप साथ में उनको थैंक यू बोलेंगे. वी मस्ट से सॉरी व्हेन वी आर रॉन्ग. आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको सॉरी बोलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, गुड मैनर्स फॉर ऑल, यानी सभी के लिए जो सभी को अपनाने चाहिए, ऐसे गुड मैनर्स कौन से हैं. वी मस्ट हेल्प द ओल्ड एंड वीक. हमें हमेशा बूढ़े और कमजोर लोगों की हेल्प करनी चाहिए. वी मस्ट नेवर यूज बैड लैंग्वेज. हमें कभी भी बैड लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए. वी मस्ट बी काइंड फॉर एनिमल. हमें हमेशा अपने एनिमल्स के लिए, जो पशु हैं, उनके प्रति दयालु रहना चाहिए. वी मस्ट नॉट आर्ग्यू विद एल्डर्स. हमें कभी भी बड़ों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनसे उनको उल्टा नहीं बोलना चाहिए. वी मस्ट बी ऑनेस्ट. हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए. वी मस्ट कंप्लीट आवर होमवर्क इन टाइम. हमें हमेशा अपना होमवर्क टाइम पे ही कंप्लीट करना चाहिए. वी मस्ट नॉट मेक फन ऑफ अदर्स. हमें कभी भी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ये हमारे गुड मैनर्स फॉर ऑल थे, यानी जो सभी को अपनाने चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, तो वो ये हमारे सभी के लिए गुड मैनर्स थे. रिपीट अगेन, वी मस्ट हेल्प द ओल्ड एंड वीक. हमें हमेशा ओल्ड, बूढ़े और कमजोर लोगों की हेल्प करनी चाहिए. वी मस्ट नेवर यूज बैड लैंग्वेज. हमें कभी बैड लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए. वी मस्ट बी काइंड फॉर एनिमल्स. हमें पशुओं के प्रति दयालु रहना चाहिए. वी मस्ट नॉट आर्ग्यू विद एल्डर्स. कभी भी एल्डर्स, जो बूढ़े लोग हैं, हमसे बड़े हैं, उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए. वी मस्ट बी ऑनेस्ट. हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए. वी मस्ट कंप्लीट आवर होमवर्क इन टाइम. हमें हमेशा अपना होमवर्क टाइम पर ही कंप्लीट करना चाहिए. वी मस्ट नॉट मेक फन ऑफ अदर्स. हमें एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ये हमारे लेसन के स्टूडेंट्स की पॉइंट्स हैं. वी लर्न गुड मैनर्स एट होम एंड एट स्कूल. हम अच्छे मैनर्स को घर पर सीखते हैं और स्कूल में सीखते हैं. अ वेल मैनर्ड चाइल्ड इज लव्ड बाय ऑल. जो अच्छे मैनर्स वाला बच्चा है उसको सभी प्यार करते हैं. वी मस्ट यूज वर्ड लाइक प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी. हमें इन वर्डों का यूज करना चाहिए. प्लीज है, थैंक यू है और सॉरी है. अगले स्टूडेंट इसकी लेसन की बी एक्स है. क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. सही आंसर पर टिक का निशान लगाएं. नंबर फर्स्ट, वी मस्ट डू रेगुलर. हमें हर रोज क्या करना चाहिए? प्ले, एक्सरसाइज, डांस. आंसर इज एक्सरसाइज. नंबर टू, वी शुड नॉट स्पीक. हमें क्या नहीं बोलना चाहिए? लाए, ट्रूथ या बोथ. लाए झूठ, ट्रूथ सच या बोथ दोनों. आंसर इज लाए. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. वी मस्ट गेट अप डैश इन द मॉर्निंग. हमें सुबह कब उठना चाहिए? लेट, अर्ली या बोथ. आंसर इज अर्ली. जल्दी उठना चाहिए. नंबर 4, वी शुड वियर डैश क्लोथिस. हमें हमेशा कैसे कपड़े पहनने चाहिए? डर्टी, क्लीन या वेट. डर्टी गंदे, क्लीन साफ, वेट गीले. आंसर इज क्लीन. क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे हमने फिलअप्स करने हैं. नंबर फर्स्ट, वी मस्ट टेक अ डैश एवरी मॉर्निंग. हमें हर रोज क्या करना चाहिए? आंसर इज बाथ. हमें हर रोज स्नान करना चाहिए. वी मस्ट स्पीक डैश विद एवरीवन. हमें एक दूसरे से कैसे बोलना चाहिए?
आंसर इज पोलाइटली, नम्रता के साथ बोलना चाहिए. वी मस्ट बी डैश, हमें कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट, ईमानदार रहना चाहिए. वी मस्ट से डैश इफ वी आर रॉन्ग, जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या कहते हो? लास्ट वर्ड बचा है सॉरी. क्वेश्चन नंबर सी, मैच द फ्लोइंग. मैच करने हैं हमें कुछ, आगे कुछ वर्ड दिए गए हैं उनसे हमें मैच करने हैं. नंबर फर्स्ट है प्लीज. प्लीज आप कब बोलते हो? व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग, जब आपको किसी से कुछ पूछना होता है. नंबर सेकंड है थैंक यू. थैंक यू आप कब बोलते हो? जब आपने किसी से कुछ लिया है, आपको उसको वापस करना है. नंबर थर्ड सॉरी. व्हेन वी आर रॉन्ग, जब आपसे कोई गलती हो जाती है. क्लॉथ इज नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. ये हमारे आज की बीएक्सिस फ्रेंड्स. एक बार दोबारा देखो. वी मस्ट डू रेगुलर, आंसर इज एक्सरसाइज, हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए. वी शुड नॉट स्पीक, आंसर इज लाई, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. वी मस्ट गेट अप डैश इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. वी शुड वियर डैश क्लोथिस, आंसर इज क्लीन क्लोथिस. क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो. नंबर फर्स्ट, वी मस्ट टेक अ डैश एवरी मॉर्निंग, हमें हर रोज स्नान करना चाहिए. वी मस्ट स्पीक डैश विद एवरी वन, आंसर इज पोलाइटली, हमें एक दूसरे के साथ नम्रता से बात करनी चाहिए. वी मस्ट बी डैश ऑनेस्ट, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए. वी मस्ट से डैश इफ वी आर रॉन्ग, हमें सॉरी कहना चाहिए जब हमसे कोई गलती हो जाती है. नंबर सी, मैच द फॉलोइंग. प्लीज, व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग, आंसर इज बी. थैंक यू, व्हेन वी गेट समथिंग, आंसर इज सी. सॉरी, व्हेन वी आर रॉन्ग, जब हम गलत होते हैं. नंबर डी. क्वेश्चन नंबर फोर, नंबर फोर, क्लोथ इज नीट एंड क्लीन, आंसर इज ए. ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन 15 रीड हो चुका है. लेसन 15 की बी एक्स अच्छे से हो चुकी है. आज आपको लेसन घर से 15 रीड करके आना अच्छे से. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू.